फ्रेंड्स, मैं उस्मान आप लोग को दिखाते हैं। ये हुंडई एसेंट है, तो इसका कूलिंग ऑयल लीक कर गया, तो इसका डैशबोर्ड निकालना पड़ेगा। कूलिंग ऑयल निकालने के लिए डैशबोर्ड निकालना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड निकालने के लिए आपको इजी थ्री ट्रिक बताते हैं, जो कैसे आप लोग निकालेंगे इजीली। पहले आपको पहले से मैं खोल कर रखा है गियर का जो कंसोल है वो पूरा खोल लियो, और इसको भी खोल के साइड में रख लो। इसको खोल के ऐसा साइड में रख लो। बाद में आपका इसको इसमें एक कपलर आता है, तो इसमें एयरबैग नहीं है। एयरबैग है तो यहाँ पर एयरबैग का मॉड्यूल आता, तो इसको यहाँ पर एक कपलर है उसको निकाल लियो। और आप स्टेयरिंग को खोल के नीचे रख लो, सबसे बेहतर होगा। स्टेयरिंग को खोल के हम लोग नीचे रख लिया। और आपका ये फ्यूज बॉक्स में जो कपलर आता है आपका इस डैशबोर्ड का साइड में जितना कपलर है उसको रख लेना है। बाकी जो चेचिस में साथ में जो बोला जितना कपलर आता है उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझको ये इस बार निकालना पड़ेगा ना। इसमें जितना कपलर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है सब उसको निकाल दो, ठीक है। इसका यहाँ पर दो बोल्ट आता है, यहाँ पर एक बोल्ट आता है और यहाँ पर एक बोल्ट आता है। इसको खोलने की जरूरत नहीं, ये इसके साथ है। यहाँ पर दो बोल्ट आता है, इसको खोलना है। और आपको कूलिंग ऑयल का जो पाइप है, पाइप का जॉइंट ओपन करना पड़ेगा। दो हीटर लाइन का पाइप ओपन करना पड़ेगा। और आपका ये कंसोल खोल के इसका अंदर दो बोल्ट आता है 12 नंबर, उसको ओपन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक कपलर आता है, इसको ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बोल्ट आता है और यहाँ पर एक बोल्ट आता है। इस साइड में कोई बोल्ट नहीं आता है। आपको खोलना है, इस पाइप को भी निकालना है। और यहाँ पर एक बोल्ट आता है, इसको खोलना है। तो इजीली आपका डैशबोर्ड निकल जाएगा। डैशबोर्ड निकाल के दिखाते हैं फ्रेंड्स। डैशबोर्ड निकाल दिया, देख रहे हो। तो हम कूलिंग ऑयल खोल के निकाल के दिखा रहे हैं। सो गाड़ी के अंदर ही रखा, बाहर नहीं निकाला। हाय फ्रेंड्स, कूलिंग ऑयल निकाल दिया। इसको आपका इस साइड में एक कवर आता है, इधर एक ढक्कन आता है। दो कवर खोलोगे तो इजीली आपका कूलिंग ऑयल निकल जाएगा। यहाँ पर आता है एक ऐसा वाला, इसे निकल जाएगा कूलिंग ऑयल। इसको हम चेंज करने वाले हैं। कूलिंग ऑयल लीक है इसका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।